सो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हमें किसी फर्श पे, रोड या फिर कोई पार्क है उस पर अगर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ हो तो वो किस तरीके से दिखेगा और कैसे हम क्रिएट करेंगे। क्योंकि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये एक शॉप के सामने का एक एरिया है और यहाँ पे अगर हमें कुछ टेक्स्ट लिखना हो कि वेलकम या कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो लिखना हो तो किस तरीके से, मतलब उसकी टेक्स्ट की पेस्टिंग होगी ताकि लगे कि बिल्कुल एक रियल टेक्स्ट यहाँ पहले से ही प्रिंट से लिखा हुआ है, और कितना कहाँ कहाँ फेडेड रहेगा, कहाँ कहाँ घिसा रहेगा, वो सब कुछ जो है हम सीखने वाले हैं इस फोटोशॉप में। बहुत इंटरेस्टिंग से वीडियो है ये। तो चलिए, मैं सबसे पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें लिखना क्या है। तो मैं इस पे लिख रहा हूँ वेलकम। तो यहाँ पे वेलकम लिखने के लिए पहले हम वेलकम यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। तो पहले मैं इसे हटा देता हूँ और एक फ्रेश मैं आपको यहाँ पे वेलकम लिख के दिखाता हूँ। तो पहले क्या है कि आप सबसे पहले यहाँ पे आप लिख लो, फॉन्ट साइज़ मैंने यहाँ पे रखा है 710। तो आप अपने पिक्चर के हिसाब से फॉन्ट साइज रख सकते हो, ठीक है। तो ये है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे वेलकम और ये कैपिटल लेटर से मैंने लिखा है। इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ और ठीक है, तो अभी ये 1144 है और इतना ही साइज हम रखते हैं, ठीक है। इसके बाद से क्या करते हैं, इस जो फॉन्ट को हमें या इस लेयर को, जो टेक्स्ट वाला लेयर है, इसको मैं कन्वर्ट टू मतलब रिसाइज कर दे रहा हूँ मैं इसे। और फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्शन टूल से इस वेलकम को मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और कंट्रोल एक्स कर दे रहा हूँ, यहाँ से कट गया। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे फिल्टर पे जाना है और यहाँ पे वैनिशिंग पॉइंट है, इस पे हमें क्लिक करना है, या आप कंट्रोल अल्ट कंट्रोल और वी के साथ भी ये सेटिंग ला सकते हो। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक हमें पाथ क्रिएट करना है, ठीक है। अब ये पाथ क्रिएट करने के लिए यहाँ से आप देख पा रहे हो कि जिस तरीके से इसकी डिज़ाइन है उसी तरीके से हमें पाथ क्रिएट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इस पे क्लिक किया, फिर इस एरिया पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे, और फिर मैं इस तरीके से रख दिया मैं, ठीक है। अब इस तरह से ड्रैग करके हम हल्का सा और खींच लेंगे बाहर ताकि लगे पूरा ये कि फर्श है ही, ठीक है ना। अब ये हो गया। अब हमें करना क्या है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा दे रहा हूँ, मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। अब हमें जो हमने कंट्रोल एक्स किया था, यहाँ से मैं कंट्रोल वी कर दे रहा हूँ इसी पे। तो अभी आप देख पा रहे हो मुझे इस तरीके से ही आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल टी से कर ले रहा हूँ और इसको मैं इस तरीके से रोटेट कराता हूँ 90 डिग्री पे। तो रोटेट कराने से क्या होगा, क्योंकि हमारा जो लेफ़्ट वाला व्यू है, तो जब तक ये रोटेट नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉपर तरीके से आएगा नहीं। तो ये 90 डिग्री पे मैंने रोटेट कर लिया है। फिर इसे हमें क्या करना है, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है, मतलब यहाँ पे हमें इस तरीके से ला के सेट कर लेना है। अब ये क्या है कि इसका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, इसको हमें छोटा करना है, ठीक है। तो ये वेलकम मैंने यहाँ पे इस पूरे पे यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ओके कर दे रहा हूँ। अब आप देख पा रहे हो कि ये वेलकम है, पूरा फर्श पे लग रहा है कि बिल्कुल इसी पे लिखा हुआ है, लेकिन अभी ये ऊपर से इसकी पेस्टिंग है। जो भी यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो कुछ पत्ते गिरे हुए हैं या कुछ ऐसे वेस्टेज पड़े हुए हैं, वो वेस्टेज इसके ऊपर होना चाहिए, टेक्स्ट के ऊपर होना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, जो इसका ब्लेंडिंग मोड है उसे हमें उसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। तब ये नॉर्मल है, इस पर हम क्लिक करेंगे और इसको मैं इसकी ओवरली पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो ओवरली पे क्लिक करने पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो भी वेस्टेज हैं, चाहे वो लीफ वगैरह हो, वो सब कुछ टेक्स्ट के ऊपर आ गया है, तो थोड़ा सा ये रियलिस्टिक लग रहा है। तो ये ओवरली पे मैं क्लिक कर ले रहा हूँ। वापस से इस वेलकम वाले सेक्शन पे हम माउस राइट क्लिक करने के बाद ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे जाएंगे और यहाँ पे जो अपर लेइंग ऑप्शन है उसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे ताकि लगे कि ये बिल्कुल रियल है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले से हल्का सा ड्रैग कर लेता हूँ इधर। तो ये आप देख सकते हो इस तरीके से कुछ बन के आ रहा है। फिर यहाँ अल्ट के साथ हम इसको सेपरेट करेंगे, अल्ट की के साथ। तो ये अल्ट की के साथ मैंने इसको सेपरेट किया, तो लग रहा है कि यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है वो मिट गया है। अब चाहे चलने के निशान है या जो भी है, जिस हिसाब से फर्श उसी हिसाब से जो है वो टेक्स्ट यहाँ पे मैनेज हुआ है। फिर यहाँ पे इसको भी, राइट वाले सेक्शन को भी मैं थोड़ा सा सेपरेट कर दे रहा हूँ।
अब ये क्या करते हैं, हम इसे ओके कर लेंगे। तो कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ट्यूटोरियल से, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।